हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलो बैकपैकर अमन। तो ये राज का सीन ऐसा है, अभी तक मैं रह रहा था ओल्ड मनाली में MH हॉस्टल में, लेकिन कुछ अलग चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए मैंने आज अपना हॉस्टल चेंज किया है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ द जॉइंट कैफ़े एंड होम स्टे। MH हॉस्टल से जॉइंट कैफ़े का जो डिस्टेंस है 200 मीटर का है, उनको जाना पड़ेगा। तो सामने का व्यू देख रहे हो, कल तक वो पहाड़ बिल्कुल मतलब स्नो नहीं थी, ऊपर ही दिख रही थी स्नो, लेकिन कल जो स्नोफॉल हुई ना रात को, उसके बाद यहाँ का माहौल बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। ऊपर वाले जो पेड़ आपको दिख रहे हैं ना स्नो का, बट मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, जो ऊपर वाले पेड़ दिख रहे हैं ना स्नो का, बट वहाँ पर अभी जस्ट आधा घंटा पहले स्नोफॉल होकर रहती है। तो यार लग तो ऐसा रहा है कि आज भी ओल्ड मनाली में हमें अच्छी खासी स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी। अभी हॉस्टल खाली करना है क्योंकि यहाँ का टाइम हो चुका है। यहाँ से चेकआउट करके दूसरे हॉस्टल में जाके चेक इन करते हैं, वहाँ पर जाके देखते हैं कि क्या माहौल है। एक्चुअली वो जंगल के अंदर है तो माहौल तो बढ़िया होगा ही, बाकी देखते हैं क्या रहता है। अभी खाना वाना तो मैंने खा लिया, अभी निकलते हैं यहाँ से, वहाँ जाकर मिलता हूँ आप लोगों को। तो यार फाइनली मैं MH से चेकआउट करके अपने नए हॉस्टल द जॉइंट कैफ़े एंड होम स्टे में पहुँच चुका हूँ। ये देखो पीछे, ये सारा जॉइंट कैफ़े एंड होम स्टे है। तो अभी मैं जा रहा हूँ यार, मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया नीचे से, वो कह रहा है कि मानू टेंपल घूमने जाते हैं जो कि ओल्ड मनाली में है। तो अभी मैं जा रहा हूँ मानू टेंपल घूमने, वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वहाँ का क्या माहौल है और वहाँ किस चीज़ का टेंपल है वो। तो वो वहाँ जाकर ही पता लगेगा, अभी मेरे को भी नहीं पता। तो चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं क्या सीन है। तो यार दोबारा से ओल्ड मनाली में पहुँच चुका हूँ। यहाँ से भाई को पिक करना था, इनको आपने कल भी वीडियो में देखा होगा स्नोफॉल के अंदर इंजॉय करते हुए। मैं मानू टेंपल जाने वाला था, ये बोले मैं भी चलूँगा, तो मैंने बोला इधर से जाना मेरे को नीचे से, तो इनको पिक किया। ये MH में रुके हुए हैं, तो अभी चलते हैं मानू टेंपल और साथ में आपको थोड़े से साइनेमेटिक्स इंजॉय करवाते हैं मार्केट के। तो यार ये जो आप मार्केट देख रहे हो ना, ये सारी ओल्ड मनाली की मार्केट है। और वो सामने ऊपर पेड़ दिख रहे हैं ना, वहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले स्नोफॉल हुआ, और जिस हॉस्टल में मैं रुका हूँ वहाँ पर भी स्नोफॉल हो रहा था, लेकिन हैवी नहीं था, इस वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने सोचा जब हैवी स्टार्ट होगा तब रिकॉर्ड करने का फायदा है। वेट करते करते जो थोड़ा थोड़ा पड़ रहा था वो भी बंद हो गया। चलो कोई बात नहीं, रात को तो होगी होगी। वो भैया, हाँ वो भैया बता रहे थे वहाँ से, कह रहे हैं कि कल काफ़ी हैवी स्नोफॉल हुई है वहाँ पर ऊपर उनके, वहाँ अभी भी साइडों में स्नोफॉल पड़ी थी बर्फ। अभी ओल्ड मनाली में तो स्नोफॉल नहीं हो रही थी, लेकिन ऊपर जहाँ पर मैं रुका हूँ ना वहाँ पर हो रही थी स्नोफॉल। तो ऐसी कुछ दिखती है मार्केट ओल्ड मनाली की। ये बाइक ऑन हायर रेंट पे बाइक वगैरह ले सकते हो, बहुत शॉप्स है यहाँ से, किसी से भी ले लेना, सबका रेट सेम ही रहता है। हालांकि यार जो मानू टेंपल की चढ़ाई है ना 1 किलोमीटर की है, जाखू टेंपल सुना है ना शिमला में, बस चढ़ाई वैसी है भाई की, तो वाट लग गई भाई, कह रहे थे मैं थक गया यार, थक गया यार, पूरा ऊपर जैसा है, पूरा 90 डिग्री, ऐसे 30 डिग्री तो है, आराम से है, आराम से 90 डिग्री। ओ भाई सांस तो मेरे को भी चढ़ी है, लेकिन थोड़ा लेग्स नहीं थकी मेरी। मन्नू टेंपल यहाँ से 100 मीटर बचा है, लेकिन वाट लग गई यार, जो रास्ता है रुकने वाला चीज पूरा है। चढ़ाई देखो कितनी स्ट्रीक है ना यार, यहाँ के घर ना सारी लकड़ के बने हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, देखो मोस्टली लकड़ के घर हैं। देखो कितना बढ़िया लग रहा है सामने वाला, ये देखो घर, देखो सारी लकड़ के बने हुए हैं भाई, असली फील तो जहाँ पर है यार, नीचे तो हम ऐसे ही रह रहे थे। कुछ नहीं है। सही बात है, शोर शराबे से दूर सुकून वाली जगह जहाँ कोई ज्यादा रश नहीं है, लेकिन हाँ मानू टेंपल में होगा, टूरिस्ट रहता है ना वहां पर। यार मेरे को एक चीज की समझ नहीं, पीछे लिखा था 100 मीटर, यहाँ पर लिखा है लगभग 100 मीटर हम आ गए, उसके बाद 150 मीटर और पड़ा है अभी इधर। चलो चलते चलो चलते चलो, यही है जिंदगी, चलते चलना है, रुकना नहीं, रुकना नहीं है, रुकने का नाम जिंदगी नहीं है ब्रो। जो डर गया वो हार गया।
फाइनली यार हम लोग मन्नू टेम्पल में पहुंच चुके हैं, वो पीछे इसका मेन गेट। तो यार यहाँ तक पहुँचने के लिए ना 1 किलोमीटर का ट्रैक है ओल्ड मनाली से। अगर आपका स्टेमिना कम है तो आप ऑटो वगैरह लेकर भी आ सकते हो, मनाली माल रोड से भी मे भी ऑटो मिल जाएगा। यहाँ का माहौल भाई काफ़ी ही शांत है, और जो एरिया है ना गांव है ये काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर ज़्यादातर घर लकड़ के बने हुए हैं। अभी ऊपर चल के देखते हैं कि टेम्पल कैसा है, और फिर देखते हैं उसकी हिस्ट्री वगैरह भी क्या है, आप लोगों को बताऊँगा। वैसे मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी थी कि ये मंदिर ऋषि मन्नू को समर्पित है। अब मेरे को ये नहीं पता कि ऋषि मन्नू कौन थे, तो अगर किसी को पता होगा तो वीडियो में कमेंट जरूर कर देना। और अगर आप मनाली आ रहे हो ना तो इस जगह पर जरूर आना यार, मनाली से काफ़ी हाइट पर है और वेदर भी यहाँ का मनाली से काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, और हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही है अभी, लेकिन इतनी भी नहीं हो रही कि कैमरा कैप्चर कर पाए। पूरे स्नो कवर्ड माउंटेन से काफी अच्छा व्यू है यार। तो अभी चलते हैं मंदिर के अंदर, देखते हैं कि क्या है अंदर मंदिर के। सबसे पहले तो ये 2 घंटियां हैं, और इधर गणेश जी की प्रतिमा, और ये है अंदर। आई डोंट नो कि ये क्या चीज़ है, किसी को पता होगा बताना मेरे को। फोटो ले भाई। फाइनली यार मन्नू टेम्पल के दर्शन कर लिए हैं, और आप लोगों को भी करवा दी हैं। क्या है ना, अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो हमें आकर वहां पर रोक दिया गया वीडियोग्राफी करने से। फिर भी जितनी मैंने बनाई है वीडियो वो आप लोगों को दिखाऊंगा। ऊपर से स्नोफॉल भी हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर बादल गरज रहा है, ऐसे लग रहा है कि काफ़ी हैवी वाली स्नोफॉल होने वाली है यहाँ पर। और एक चीज़ जो ओल्ड मनाली है, जो ओल्ड मनाली है अपनी नाइट लाइफ के लिए काफ़ी जाना जाता है। यहाँ पर कैफ़े पब काफ़ी ज़्यादा है यार, काफ़ी अच्छा मॉल होता है रात को यहाँ पर। इस चीज़ का हम किसी और दिन ब्लॉग बनाएंगे, अभी फ़िलहाल नीचे पहुँच कर चाय पीनी है, खाना पीना भी है कुछ या खाएंगे। हाँ परौंठा वगैरह खाएंगे, कुछ खाना ना खाएंगे। मैं भी परौंठा वगैरह चाय वगैरह पीकर अपने हॉस्टल निकल जाऊँगा, ये अपने हॉस्टल निकल जाएंगे। अभी तो और भी तेज़ होगी भाई। तो निकलते हैं नीचे की तरफ और चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ। तो यार मन्नू टेम्पल से हम दर्शन करके नीचे की तरफ आ रहे थे, और स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा तेज हो गया, तो यहाँ पर हम एक ढाबे में रुके हैं चाय पीने के लिए। चाय का ऑर्डर किया, कॉफ़ी कॉफ़ी 2 कॉफ़ी ऑर्डर किए यहाँ पर। तो जैसे ही आती है कॉफ़ी पीते हैं, तब तक आप लोगों को मैं स्नोफॉल दिखाता हूँ यहाँ पर कितनी तेज़ हो रही है यार। रात को तो इससे भी ज़्यादा तेज़ होने वाली है, ये देखो, ये देखो सारा नीचे से स्फीयर होना शुरू हो गया। और ओ भाई ये देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा सारा, है ना। तो सही है यार, अभी पीते हैं चाय, चाय आने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो लो जी ये अपनी कॉफ़ी आ चुकी है, देखते हैं कैसी है। भाई एक नंबर, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी, मज़ा आ गया। आया ठंडे ठंडे गर्म ये कॉफ़ी तो इतनी लग रहा है, कॉफ़ी का मज़ा अलग ही लग रहा है। अभी कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद यार भाई को छोड़ के मैं अपने हॉस्टल की तरफ निकलूंगा। एक्चुअली वो जंगल का रास्ता है ना, तो रात को थोड़ा टफ हो जाएगा मेरे को जाना, इस वजह से मैं भी भाई। लेकिन काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये भाई, आप परोठा खाओगे, आप पराठा खाएंगे, चलिए यहाँ पे कॉफ़ी पीते हैं उसके बाद। हाँ कॉफ़ी पी के परोठा खा के मैं भी अपने रूम की तरफ निकलता हूँ, और वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या माहौल बनता है रात को। तो यार अभी खाना खाने के लिए ओल्ड मनाली के एक ढाबे में आए हैं, यहाँ पर हमने ऑर्डर दिया है गोभी के परांठे 2, और उसके बाद चाय वाय पियेंगे, है ना। चाय पीकर आप अपने हॉस्टल में अपने रास्ते, हाँ। आप अपने रास्ते फिर मिलने मिलेंगे कभी, मिलेंगे। तो चलो अभी खाना खाते हैं ना, खाना आने तो उसके बाद टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। सुबह भी यहाँ से मैंने परौंठे खाए थे, आलू के परौंठे भाई मस्त थे यार, इतना बड़ा परौंठा बना के दिया था अंकल ने। तो लो जी अपने परौंठे आ चुके हैं यहाँ पर, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। हरी चटनी और अचार, बढ़िया यार। अभी पराठा खाते हैं,
उसके बाद निकलते हैं आगे। मैं अपने हॉस्टल की तरफ जाऊंगा जो कि आगे जाकर जंगलों के बीच में